दोस्तों मॉन्क मोड के अकॉर्डिंग अगर किसी पर्सन के लाइफ में सिर्फ पर्पस, फोकस और डिसिप्लिन को निकाल दिया जाए तो लॉन्ग टर्म में उसके लाइफ में कुछ बचेगा तो वो है सिर्फ दुख, एक मीनिंगलेस लाइफ और बहुत सारा पेन, क्योंकि इन चीजों से ही आप अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में ले पाते हो। और अगर इन्हें निकाल दिया जाए तो आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों से खो दोगे। जहां आपके साथ कुछ भी हो रहा होगा, आप गलत आदतों में पड़ रहे होगे पर खुद को रोक नहीं पाओगे, अपनी हेल्थ को बिगड़ते देखोगे, अपने सपनों को रेत की तरह फिसलते हुए देखते रहोगे पर कुछ नहीं कर पाओगे। और सच तो यह है कि 95% लोग अपनी लाइफ को उसी तरह जीते हैं, बिना किसी पर्पस, फोकस और डिसिप्लिन के, जो उनको बर्बादी के रास्ते पे ले जाता है। पर क्या हो अगर हम आपको एक रास्ता बताएं जो आपको 95% लोगों से आगे ले जाए, जो सारे डिस्ट्रैक्शन को खत्म कर देगा, जो दुनिया के शोर को आपसे दूर कर देगा, जहाँ बचेगा तो सिर्फ आप, आपका पर्पस, आपका फोकस और डिसिप्लिन। और ये रास्ता है मॉन्क मोड। मॉन्क मोड लाइफ की ऐसी स्टेट है जहाँ आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड किए हुए कुछ समय के लिए, जैसे कि 21 दिन, 3 महीने, 6 महीने या 1 साल के लिए अपने आप को पूरी तरह से अपने गोल्स, खुद के टेम्परामेंट और खुद के लाइफ पर्पस के लिए खुद को पूरी तरह से झोंक देते हो। आप कुछ समय के लिए बाहरी दुनिया, बुरी आदतें, टाइम वेस्टिंग लोगों से और दुनिया भर के शोर शराबे से और डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाते हो। यानी शॉर्ट में समझा जाए तो आप उस हर चीज़ से दूर रह जाते हो जो आपके गोल्स और लाइफ पर्पस के बीच में आती हो। दोस्तों मॉन्क मोड को आपके अपने मुताबिक डिजाइन करना होगा, अपने ड्रीम लाइफ और नाइटमेयर लाइफ के बीच का फर्क जानकर। आइए जानते हैं ड्रीम लाइफ और नाइटमेयर लाइफ में क्या अंतर है। ड्रीम लाइफ, अगर आपने अपनी लाइफ को चेंज करने का डिसाइड किया है, आपको बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होकर सोचना होगा कि आप आखिर क्या चेंज करना चाहते हैं। लाइफ को छोड़ के आप कैसी लाइफ चाहते हो, आपकी ड्रीम लाइफ कैसी है, यानी जो भी आप चाहते हो अगर आप उसे पा लेते हो तो आपकी कैसी फीलिंग्स होगी, आप कैसे महसूस करोगे, आपकी लाइफ कैसे हो चुकी होगी। यहाँ आपको रियलिस्टिक और प्रैक्टिकली होकर भी सोचना होगा। ऐसा नहीं कि जो आपको ही प्रैक्टिकल ना लगे और जहाँ पहुँचने के रास्ते आपको ही क्लियरली ना दिख रहे हो। इसे करने का सबसे बेस्ट तरीका है, अपने एक आइडल को इमेजिन करो, अपने ड्रीम लाइफ के एक नॉर्मल दिन को इमेजिन करो। फुल डिटेल्स में जाके एक पेपर में उस दिन का एक पूरा शेड्यूल लिखो, आपका दिन असल मायने में कैसा होना चाहिए, आप सोकर कब उठे, आप काम क्या क्या करते हो, कैसे लोगों से मिलते हो, आपके बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है, आपकी हेल्थ कैसी है, आप इमोशनली कैसा फील करते हैं। यह आपको जीतने के लिए मोटिवेट करेगा और सेटिस्फेक्शन ऑफ विनिंग देगा। नाइटमेयर लाइफ, इसके बाद जो भी आपने सोचा है इसका अपोजिट कर दो और सोचो कि आप अभी अपने लाइफ जैसे जी रहे हो उससे वैसे ही रखते हो और कोई भी बड़ा चेंज नहीं लाते हो और ऐसे ही जीते रहते हो, तो आज से कुछ समय बाद आपकी लाइफ कैसी होगी। सोचो अगर आपने जैसा सोचा है वैसा हुआ ही नहीं पर वो लाइफ जी रहे जो आप जीना नहीं चाहते हो, तो ये होगी आपकी नाइटमेयर लाइफ। अगर लेजी हो, मेहनत नहीं करते, आप अभी पूरा दिन जंक फूड खाते हो, वर्कआउट नहीं करते, तो इससे इमेजिन करो कि आज से कुछ साल बाद सोचो कि आप कितने मोटे और अनहेल्दी हो चुके होंगे। अगर आप सोशल मीडिया और गलत चीज़ों से एडिक्टेड हो तो सोचो आज से 5 साल बाद आपके माइंड की क्या हालत होगी, आपकी लाइफ एक नाइटमेयर बन चुकी होगी। इसलिए तो आपको इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है ताकि आप इस एवरेज लाइफ से डरो और इसे चेंज कर पाओ। दोस्तों आप मानो या ना मानो, सक्सेस के बारे में सोचकर आप जितना मोटिवेट फील करते हो, हारने का डर उससे कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल मोटिवेशन देता है। इन दोनों लाइफ के डेली शेड्यूल को जानने के बाद अब आपको अपने लिए आज से एक ऐसा शेड्यूल बनाना है जिससे आप अपनी इस नाइटमेयर लाइफ को अवॉइड कर पाओ और ड्रीम लाइफ के करीब जा पाओ। और यहाँ पे मॉन्क मोड काम आता है जो आपके अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करता है ताकि आप अपने ड्रीम लाइफ को अचीव कर पाओ। तो दोस्तों अब आगे जानते हैं इसमें करना क्या क्या है। मॉन्क मोड में क्या क्या नहीं करना है वो तो आप जान चुके होंगे, अब क्या करना है वो समझते हैं। इस मॉन्क मोड के दौरान आपको 3 नेगोशिएबल चीजों की लिस्ट बनानी है और ये वो चीजें हैं जिन्हें आपको हर दिन फॉलो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए आपको ये 3 चीज करनी ही है। पहली है 30 मिनट मेडिटेशन, दूसरी है एक्सरसाइज, किसी भी तरह की एक्सरसाइज, और तीसरा है एक स्ट्रिक्ट हेल्दी डाइट को फॉलो करना। आप ऐसा क्यों करना है, ऐसा इसलिए करना है क्योंकि ये 3 चीजें आपकी बॉडी और आपके माइंड के लिए फ्यूल की तरह काम करेगी ताकि आप पूरे मॉन्क मोड के दौरान अपना बेस्ट दे पाओ। आप चाहो तो अपने हिसाब से इस लिस्ट में और भी कुछ चीजें ऐड कर सकते हो, जैसे कि 8 घंटे की नींद लेना, बुक पढ़ना या कुछ भी। इतना सब करने के बाद आपका मॉन्क मोड का शेड्यूल कुछ इस तरह दिखेगा। सुबह उठते ही 1 गिलास भर के पानी पियो, 30 मिनट के लिए मेडिटेशन करो, मॉर्निंग वॉक पे जाओ, सनलाइट लो, अपनी बॉडी को मूव करो, एक्सरसाइज करो या जिम जाओ और फिर काम पर लग जाओ। दिन में एटलीस्ट 2-4 घंटे के डीप वर्क सेशन करो, उसमें अपने सारे काम को फिनिश करो। बीच में जो 15-30 मिनट का ब्रेक भी लो, पर याद रहे नो सोशल मीडिया। चाहे आप एक स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल, आप जो भी काम कर रहे हो सारे डिस्ट्रैक्शन को हटा के बहुत ही इंटेंस फोकस के साथ कंप्लीट करो। ज्यादा किसी से कोई फालतू बात मत करो, अपने काम से काम रखो। पूरे दिन एक हेल्दी डाइट, प्रोटीन रिच डाइट फॉलो करो, दिन में कम से कम 3 लीटर पानी पियो और लास्ट
रात में सोने से पहले एक बुक के कुछ पेजेस पढ़ो, अगले दिन उठो और सेम चीज रिपीट करो। इससे आप कुछ ही टाइम में एक ऐसा इंसान बन जाओगे जिसे देखने के बाद आसपास के लोग कहेंगे तुम पहले से बहुत बदल गए हो। मॉन्क मोड की सबसे जरूरी बात जिसके बिना आपका मॉन्क मोड किसी काम का नहीं है, वो है एक पर्पस ड्रिवन लाइफ। दोस्तों मॉन्क मोड का अल्टीमेट गोल है आपको एक पर्पस ड्रिवन लाइफ देना। अब तक आप अपनी लाइफ में जो भी कुछ कर रहे थे वो या तो किसी के बातों में इन्फ्लुएंस होकर कर रहे थे, सोशल मीडिया सोसाइटी को देखकर कर रहे थे, या फिर अपनी हैबिट्स और एडिक्शन की वजह से कर रहे थे। आपकी लाइफ असल मायनों में आपकी थी ही नहीं। एक रियल पर्पस वो होता है जिसके अराउंड आप अपने लाइफ के सारे डिसीजंस लेते हैं। एक हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए को दुनिया बदल देने वाली किसी एक पर्पस की जरूरत नहीं है। आपको बस अपनी करंट सिचुएशन को देखना है, उसे बदलने का एक स्ट्रांग और पावरफुल रीजन ढूंढना है जिससे रिलेटेड आप अपने सारे डिसीजंस लोगे और वही आपका पर्पस होगा। मान लो अभी आपको पढ़ने में प्रॉब्लम आती है तो आपका पर्पस स्टडी में बेहतर बनना होगा। आपकी हेल्थ बहुत खराब है तो आपकी लाइफ का करंट पर्पस सिर्फ और सिर्फ यही है कि मुझे कुछ भी करके अपने आप को बेस्ट शेप में लाना है। जब आप सिर्फ और सिर्फ अपने पर्पस के बारे में सोचोगे और पूरे मॉक मोड के दौरान सिर्फ उसी एक चीज पे काम करोगे, तब जाके आप बाकी के 95% लोगों से आगे निकल पाओगे। दोस्तों पूरा भरोसा है कि मॉक मोड में किसी भी पर्सन को 21 दिन 3 महीने 6 महीने या 1 साल में चेंज कर सकता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।